अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और डिलीशियस सी टू टाइप की रोटी रैप बनाने की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। पहले हम वेज रैप बनाएंगे, इसके लिए मैंने रोटी को अच्छे से सेक के रखा है। रोटी को हम सेंटर से इसे अच्छे से कट कर लेंगे। केचप और मायोनेज को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक पोर्शन में हम इसको अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। आप केचप भी लगा सकते हैं, सिर्फ आपको जो पसंद हो। मिक्स साइड में प्याज, टमाटर, आपको जो सैलेड पसंद हो आप वो रख सकते हैं। आप कोई भी सब्जी भी रख सकते हैं। मैं इसमें चीज रखूंगी एक पोर्शन में। मैंने चीज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अभी मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी, बटर लगा के करूंगी थोड़ा सा। इसको अच्छे से सेक लेंगे। दो साइड से मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी। देखिए दो साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अभी मैं इसे डिश आउट करूंगी। देखिए वेज रैप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम बनाएंगे चॉकलेट फ्रूट रैप। इसके लिए फिर मैं रोटी को ऐसे सेंटर से कट करूंगी। अभी हम दो साइड पे चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे न्यूट्रेला लिया है, आप कोई भी चॉकलेट सिरप ले सकते हैं। मैं इसको अच्छे से दो पोर्शन में इसके अच्छे से ये न्यूट्रेला अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अभी हम बनाना को ऐसे अच्छे से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आपको जो पसंद हो। अभी हम स्ट्रॉबेरीज लेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। दो साइड से मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी। देखिए दो साइड से अच्छे से सेक गया है। अभी मैं इसे डिश आउट करूंगी। देखिए चॉकलेट फ्रूट्स रैप भी अभी रेडी है बिल्कुल। चॉकलेट फ्रूट्स रैप भी रेडी है अभी। वेज रैप भी रेडी है अभी। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रोटी रैप जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।